तरफ जहां देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, वहीं लॉकडाउन के चलते देश में सेवा करने वालों की भी कमी नहीं। यहां बता दें कि अपना कल एनजीओ के द्वारा गरीबों को घर तक भरपेट खाना पहुंचाया जा रहा है। एनजीओ के महासचिव प्रिंस गोयल ने बताया कि वह 31 मार्च से लगातार उनके एनजीओ सेवा करती चली आ रही है और 14 अप्रैल तक वह सेवा करेंगे। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उनकी एनजीओ इसी तरह से सेवा करती रहेगी। कहाँ कहाँ आप लोग खाना सप्लाई कर रहे हो और किन लोगों का सहयोग रहा है इसमें? सर, हम लोग खाना अभी तो फिलहाल अलीपुर क्षेत्र में ही सप्लाई कर रहे हैं और हमें यहाँ से जो मतलब खास सपोर्ट होता है वो अमित पांडे भाई की तरफ से मिला है, महेश माही जी की तरफ से मिला है, सुधीर कुमार जी की तरफ से और हमारे भाई आनंद की तरफ से मिला है और बाकी सभी ग्रामवासियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हमें आज इस मुकाम तक इन्होंने पहुंचाया और हमारी संस्था भी नई नई बनी है तो इसलिए हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम आज इतने लेवल तक पहुंचे कि हम लोग घर तक खाना पहुँचा सकें। इसलिए सबसे पहला जो सबसे बड़ा योगदान है वो ग्रामवासियों का है और आपके चैनलों के माध्यम से मैं हमारे सभी ग्रामवासियों को हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँच गए हैं, लोगों घर तक उनके खाना पहुँचा रहे हैं। हम इतने सक्षम हो गए कि हम उनको भूखे ना सोने दें। लोग भूखे उठ तो जाते हैं पर भूखे सोएंगे नहीं, ऐसा हमारा आश्वासन है। और आप सबसे ये भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, अगर किसी के भी क्षेत्र में खाने की समस्या उत्पन्न हो रही हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। आपके जो अब तक करेंगे काम? हमारी एनजीओ का नाम अपना कल है और हमारा ऑफिस जयमल मार्केट में है, प्रधान मेडिकल के ऊपर। और हमारी ये जो मुहिम है ये 14 अप्रैल तक चलेगी, यानी लॉकडाउन के आखिरी दिन तक। अगर जो लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके बाद क्या करेंगे? अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम लोगों को घर तक खाना फिर भी पहुंचाएंगे, हम अपनी मुहिम को तोड़ेंगे नहीं।